खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दिल्ली में परसों वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज शाम 5 बजे दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दिल्ली की जिस सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का मुकाबला है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के बीच मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे भी दोनों को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर पूर्वांचल के लोगों का बहुमत है और ऐसे में दिल्ली का पूर्वांचल किसे चुनेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने, वहीं दिलीप पांडे भी दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह मनोज तिवारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मनोज तिवारी के साथ भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव भी मौजूद हैं। श्रेया बहुगुणा की रिपोर्ट देखिए। चुनावों के लिए दिल्ली लोकसभा के जितने भी क्षेत्र हैं 12 मई को वहाँ पर चुनाव हो रहा है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मनोज तिवारी का ये चुनाव प्रचार आप देख रहे हैं, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के। वहाँ पर उनके साथ सुधांशु मित्तल तो साथ में हैं ही, बल्कि खेसारी लाल जो कि भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर वो अलग अलग विधानसभाओं को कवर करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लोगों से वो वोट मांगने की अपील करेंगे, वोट की अपील करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज तिवारी, खेसारी लाल और सुधांशु मित्तल के साथ यहाँ पर वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज की जो रैली है इसे भव्य बनाया गया है, इस रोड शो को भव्य बनाया गया है और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अलग अलग वो यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से? मैं इधर भजनपुरा से। आप बताइए कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, भेंडुआ मंडल से। क्या लग रहा है आपको, जीत पक्की है? मनोज जी 100% जीत पक्की है, इस बार 100% पक्की है। मैं सोनिया विहार से आया हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ और यहाँ का बच्चा बच्चा मनोज तिवारी के साथ है। फिर ये कुमारी मनोज तिवारी, फिर ये कुमारी मनोज तिवारी। यहाँ पर आपने सुना मनोज तिवारी के लिए समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन जीत इस क्षेत्र में किसकी होगी ये एक बड़ा सवाल है जो इसका जवाब सिर्फ 23 मई को मिलेगा। जिस तरह से पोल्यूशन आगे बढ़ा है उसके बाद पटाखों पर पैन लग गया है, लेकिन मनोज तिवारी के रोड शो में इस वक्त मौजूद है जहाँ पर पटाखे जो है वो लगातार फूट रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। मनोज तिवारी के बार बार मना करने के बावजूद भी आतिशबाजी जो है वो लगातार जारी है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समर्थक है वो लगातार पटाखे जला रहे हैं। पटाखों की आवाज आप सुन सकते हैं, आतिशबाजी जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण जो है PM 2.5 PM 10 खतरे के लेवल से ऊपर हमेशा रहता है और इसी वजह से पटाखों पर बैन कोर्ट ने लगाया है, उसके बावजूद भी लोग हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है और पटाखे जो हैं वो लगातार बीजेपी में मनोज तिवारी के रोड शो में अभी भी फोड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रविश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज दिल्ली। आप सब 12 मई को कमर का बटन दबाइएगा भैया, ताकि विकास भी ना रुके और ये देश भी ना झुके। विकास भी ना रुके और ये देश भी ना झुके।